केजीएफ के रॉकी भाई और सुपरस्टार यश एक बस ड्राइवर के बेटे हैं। मैसूर में एक्टर की परवरिश हुई थी। यश के सिनेमा में नाम कमाने और फेमस होने के बावजूद उनके पिता बस ड्राइवर के रूप में ही काम कर रहे थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2022 में यश ने अपने पेरेंट्स के बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि अब केजीएफ के सुपरहिट होने के बाद उनके पिता समझते हैं कि यश कितने बड़े स्टार बन चुके हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद पिता कर रहे थे काम। इस पर यश ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि उनके माता पिता के लिए कुछ भी बदला है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे कहा था तब मेरी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी मेरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वो तब भी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आपकी इज्जत आपसे है, आपकी इंडस्ट्री के लिए मिलने वाली नकली है। यश को नहीं बॉलीवुड की जरूरत। इस इवेंट में साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड के बारे में खूब बातें हुई हैं। इस दौरान यश से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड को उनकी जरूरत है, ना कि यश को बॉलीवुड को। इस पर यश ने कहा कि मैं किसी वुड में भरोसा नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि हम एक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड नीचे जा रहा है और साउथ हिट हो रहा है, इसमें मैं भरोसा नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि हमने अपने सम्मान के लिए इंतजार और मेहनत की है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिल्म जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।